जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं बेटे? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहां से बात करती हैं? मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूं, मेरा नाम कुलसूम है। कुलसूम? हाँ जी। आप ना मेरी बात जरा गौर से सुनिए प्लीज। गरीबाना, मेरा ना बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जो ज्यादा है ना वो मतलब बहुत तंग कर रही है। मैंने आपका सारा प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई गर्म दवा खाती हूँ तो यूरिन इंफेक्शन हो जाता है। जल्दी से सवाल कीजिए, सवाल क्या आपका? मैं सवाल यही बता रही हूँ, फिर अगर कोई ठंडी चीज खाती हूँ तो फिर घुटनों पर दर्द हो जाता है। अब जो जिस्म से आग निकल रही है वहाँ इतने मतलब पेट नहीं होती पाकिस्तान में गर्मियों में, ऐसे होते हैं, फिर उस पर क्रिंडर आ जाते हैं ना, बहुत खारिश होती है। तो मैं ना बस मतलब अच्छा ये बताएं आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरी उम्र है 70 साल है, 70 साल, और वजन 8.5 स्टोन है, बल्कि उससे भी कम है। ठीक है। अच्छा ये आपके जिस्म में जो खारिश है ये कितना अरसे से है? तकरीबन काफी देर से है, साल से ही है। ज्यादा हाथों पे है या किस हिस्से पे? सारे जिस्म पे आग निकल रही है जिस्म से। लेकिन अच्छा। मैंने सारी दुआएं इस्तेमाल की है, सूरत रहमान 7 दफा पढ़ी है, हर रोज रात को लगाती हूँ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है, अपने दुआओं में याद रखें, बहुत शुक्रिया जी। बर्मिंघम से बहन कुलसूम थी, इनकी उम्र 70 साल है और इनके जिस्म में बहुत ज्यादा बर्निंग है, यानी जिस्म में बहुत ज्यादा इनको आग यानी गर्मी महसूस होती है जिस्म में, और यहाँ तक के जिस्म में खारिश भी बहुत है। देखिए एक तो सबसे पहले कि जिस्मानी जब भी आपके जिस्म में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो ये आपके जिस्म डिहाइड्रेट होता है, यानी कि आपके जिस्म में पानी की जरूरत है। एक तो ये पानी की कमी को पूरा किया जाए, और पानी जितने हजार भी पानी पीते हैं तो एक पानी सिर्फ सिर्फ करके पिए। दूसरा काम आप ये करें कि आप पानी सौंफ वाला पानी पिए, यानी कि आप कोशिश करें कि पानी उबाल लें, उबालने के अंदर उसके अंदर सौंफ डाल दें, वही पानी उसके अंदर, और यानी कि जितना कावा आप उबालेंगे वो पानी के अंदर मिक्स कर लें, एक जग बना लें, उसके बाद उस पानी को सारा दिन पीती रहें। इससे इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ आपके जिस्म में जो गर्मी है वो भी खत्म होगी, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी ये जो तकलीफ है इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगी। दूसरा काम आप ये करें कि रात को सोते वक्त मेथी दाने को गीला करें पानी के अंदर, और इसके साथ एक अदद इंजीर भी गीला कर दें। एक चम्मच मेथी दाना गीला करेंगी और एक अदद इंजीर गीला कर दें, सुबह उठकर उसका पानी भी पिए, मेथी दाने भी खा लें। इससे इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ आपके जिस्म में खारिश, आपके जिस्म में गर्मी ये इंशाल्लाह काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा काम आप ये करें कि जब सुबह नहार मुंह आप उठें तो उसके बाद खाना खाने के बाद, या आप सुबह नहार मुंह भी आप ले सकती हैं, एप्पल साइडर विनीगर, एक चम्मच एप्पल साइडर विनीगर लें, और वो जो है आप यानी एप्पल का सिरका यानी सेब का सिरका लेकर उसको एक चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर डाल के उसको नहार मुंह सुबह पी लें, या फिर आप ये मेथी दाना इस्तेमाल करेंगी तो आप नाश्ते के बाद जो है ये पी लें, इंशाल्लाह इससे आपको काफी इफाका होगा। और जिससे में अगर खारिश बहुत ज्यादा है तो खारिश के लिए बेहतरीन तरीका मैं ये बताता हूँ कि जब बात करें तो पहले मेथी दाने को उबाल लें, पानी को इतना पानी उबाल लें कि वो आप अपने पूरे जिस्म पर यानी कि डाल दें, और वो पानी फिर आपको तौलिए से खुश करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पानी को उबाल लें, उबालने के बाद जब वो पानी ठंडा हो जाए अपने पास बाथ में ले जाए, जब पूरा नहा लें, नहाने के बाद अपने पूरे जिस्म पर डाल दें, फिर तौलिए से खुश न करें, ये अमल करें, इंशाल्लाह इससे काफी आपको फायदा होगा इंशाल्लाह।